सब्सक्राइब करें हमारा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल और बेल आइकन दबा कर पाएं सभी नोटिफिकेशन। नमस्कार, आप देखें MH1 न्यूज, मैं हूं पूजा। वक्त हो चला है पंजाब एक्सप्रेस का, जिसमें होंगी पंजाब की ही तमाम खबरें। अमृतसर में बीजेपी नेता तरुण चुग ने एक बार फिर से आम आदमी पार्टी में मचे घमासान पर बयान दिया। उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी का जनाधार खत्म हो चुका है, पूरी पार्टी में सभी नेता अपने भविष्य को लेकर चिंतित हैं। तरुण चुग ने कहा कि सुखपाल खैरा हमेशा आरोप लगाते हैं कि भगवंत मान बीजेपी के संपर्क में है, तो वहीं भगवंत मान कहते हैं कि सुखपाल खैरा बीजेपी के संपर्क में है। उनके नेताओं को एक दूसरे पर विश्वास नहीं है और पूरी पार्टी के सभी नेता दूसरी पार्टियों के संपर्क में है। वहीं उन्होंने रंजीत सिंह कमीशन पर बोलते हुए कहा कि रंजीत सिंह कमीशन की सच्चाई सामने लाने के लिए विधानसभा सत्र का सीधा प्रसारण किया जाना चाहिए। वही दिखाने वास्ते अगर प्रयास होंगे तो आम जनता को समझ आएगा कि किस तरह कांग्रेस के लोग एक जस्टिस दे रही झूठ परोस रहे ने और उरे रही किस तरह गवाह मैनेज किए गए, किस तरह गवाहों को अंदर लियाया गया, किस तरह गवाहों को झूठे बयान दवाए गए। इस पिछे विधानसभा का सत्र लाइव होना चाहिए, केवल एक मुद्दे से नहीं हर मुद्दा जनता को समझ आना। भगवंत मान कह रहे हैं कि खैरा साहब बीजेपी के संपर्क ने, खैरा साहब कह रहे हैं कि भगवंत मान कांग्रेस और बीजेपी के संपर्क ने, कौन किरे संपर्क है ये नहीं प्रश्न। प्रश्न है कि आज आम आदमी पार्टी इन्ने हिस्सों से टूट चुकी है, एक हिस्सा दूजे हिस्से से आरोप लगा के दूजिया पार्टियां इनवॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। अमृतसर के रखड़ पुनिया की सियासी कॉन्फ्रेंस को लेकर सभी तैयारियां पूरी की जा चुकी हैं। वहीं सियासी कॉन्फ्रेंस को लेकर सभी पार्टियों ने भी इसके लिए अपनी तैयारियां पूरी कर ली हैं। बाबा बकाला में राखी के मौके पर होने वाले 3 दिवसीय मेले को लेकर ऐतिहासिक गुरुद्वारा साहिब के परिसर में कार्यक्रम को लेकर आखिरी दौर में काम चल रहा है। वहीं कांग्रेस ने अपना पंडाला तिरंगे के रंग में रंग दिया है। कांग्रेस नेताओं का कहना है कि उनकी पार्टी ने जो काम किए हैं वो संगत के सामने रखेंगे। वहीं शिरोमणि अकाली दल के नेता का कहना है कि वो कांग्रेस द्वारा किए गए झूठे वादों की पोल खोलेंगे। वहीं आम आदमी पार्टी पहली बार सुखपाल खैरा के बगैर मेले में आने की तैयारी में है। जिस पवित्र स्थान ते आप जी दर्शन कर रहे हो, इन स्थानों ते श्री गुरु तेग बहादुर साहब जी महाराज ने 26 साल 9 महीने 13 दिन परमेश्वर की भगती विच बतीत किए। इतों ही भाई मक्खण शाह जी का बेड़ा बन्ने लाया। जिस दिन भाई मक्खण शाह जी इतने पहुँचते ने, उन्होंने सतगुरु जी के दर्शन किए और सतगुरु जी ने प्रगट किया, साचा गुरु लाधोरे का होका दिता है। वो पवित्र जो दिहाड़ा है सालाना जोड़ मेले के रूप में श्रोमणी गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी वालों बड़ी श्रद्धा भावना के नाल मनाया जा रहा है और दूरों दूरों सिख संगत इतने पहुँच रही है। श्रोमणी गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी वालों पुख्ता प्रबंध किए गए हैं। 24 घंटे लंगर का प्रबंध है, संगतों के वास्ते रहायश का बहुत वधिया प्रबंध है। बहुत ही शानो शौकत नाल असी जिन्हों समाजिक तौर पर अस रखड़ पुनिया का मेला कहने, पर साचा गुरु लाधोरे दिवस जड़ा उदे उत्ते असी बहुत वड्डी पंथक अते अकाली कॉन्फ्रेंस जिहड़ी उह करदे आ, जिस दे विच सियासी विचारां हुंदियां ने, समाजिक विचारां हुंदियां ने, आर्थिक विचारां हुंदियां, ते मौजूदा जो सरकार दियां नाकामियां ने जिहड़े उन्होंने वादे कीते आ लोकां नाल झूठे, उहदे ते असी चानणा पाउने आ, ते उहदे लई पूर्ती लई भी सरकार ते दबाव पाया जावे, उहदे लई वर्करां नूं असी तैयार करदे आ। आम आदमी पार्टी के नेता और सांसद भगवंत मान ने जालंधर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की, जिसमें उन्होंने कहा कि पंजाब विधानसभा का सत्र को छोटा कर दिया गया है। विधानसभा सत्र कम से कम 15 से 20 दिन का होना चाहिए था, जिससे सभी को पंजाब के आम लोगों के मुद्दे को उठाया जा सकता है। वहीं उन्होंने कहा कि पंजाब में आम आदमी पार्टी मजबूती से लोगों की बात रख रही है। सुखपाल खैरा जैसे नेता जो काम कर रहे हैं उन पर पार्टी की अनुशासन समिति की नजर है और उन पर अनुशासनात्मक कार्रवाई की जा सकती है।
पंजाब के कैबिनेट मंत्री नवजोत सिंह सिद्धू भारत पाकिस्तान सरहद गुरदासपुर के कस्बा डेरा बाबा नानक में करतारपुर दर्शन स्थल पर पहुंचे। इस दौरान नवजोत सिंह सिद्धू ने दूरबीन से पाकिस्तान में स्थित गुरुद्वारा श्री करतारपुर साहिब के दर्शन किए और करतारपुर साहिब का रास्ता खोलने के लिए अरदास की। उन्होंने कहा कि इस पर राजनीति बंद हो और रास्ता खुलवाने के लिए कदम उठाया जाए। आम आदमी पार्टी में लगातार एक नूर ते सब जग उपजा कौन भले को मंदे मानस की जात सब है एक है पहचान भाई ये रात तुरना कि नहीं तुरना ते जे ये रात तुरना मैं मुकाओ ये कहो कि साडा करतारपुर लांघा हरेक बंदा यतनशील होवे हरेक बंदा आसवान होवे आस्था दे विच परमात्मा है और हरेक बंदा इस विश्वास दे नाल ये अरदास करे कि ये साडे सारयां दा भला होवे और साडे सारयां दे लई ਇਹ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਦਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਣ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਰੋਟੀਆਂ ਨਾ ਸਿੱਖੀਏ ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਸਮਝਦੇ ਆ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਤਾਂਘ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਸ ਹੈ ਮੈਂ ਮੁਕਾਈਏ ਔਰ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰੀਏ आम आदमी पार्टी में लगातार घमासान बढ़ता जा रहा है। आप नेता भगवंत मान कार्यकर्ताओं के साथ बैठक कर रहे हैं, वहीं सुखपाल खैरा ने गुरदासपुर में अपने समर्थकों के साथ रैली की। इस मौके पर सुखपाल खैरा ने 1984 के सिख विरोधी दंगों को लेकर राहुल गांधी के बयान पर नाराजगी जाहिर की। वहीं जस्टिस रंजीत सिंह कमीशन की रिपोर्ट को लेकर भी बयान दिया। बहुत दुखदाई गल है कि 34 साल बाद भी सिख कतलेआम का इंसाफ नहीं मिलिया और ये कुछ लोग इस दंगे कह के पेश करते हैं। दंगे नहीं सके, दंगे होंगे जो तो दो फिरकों के आपस लड़ाई हो। दुखदाई गल यह सी कि देश की राजधानी पुलिस फौज की ना कि थले किया गया, इसलिए अगर पंजाब एक्सप्रेस फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।